नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के। भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त नवनाथ धवले जी ने एक आदेश जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि भिवंडी शहर में हत्याएं या इस तरह की और भी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि भिवंडी शहर के आसपास में जो गोडाउने हैं उसमें काम करने वालों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले जो कामगार यानी मजदूर यहाँ काम करते हैं और एक छोटा सा घर लेकर यहाँ रहते हैं। भिवंडी शहर में छोटे छोटे घर बनाने का, खोलियाँ बनाने का चलन भी इसी वजह से बढ़ा है। खोली के जो मालिक होते हैं यानी जो छोटा सा रूम होता है, पतरे का शेड ज़्यादा होता है उसमें, तो इसके जो मालिक होते हैं ये लोग इन मज़दूरों को, इसमें कुछ लोग परिवार से होते हैं और ज़्यादातर लोग बिना परिवार के रहते हैं। भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त नवनाथ धवले जी ने क्या कहा, मैं यहाँ पे भिवंडी में जो घर मालिक है वो ऐसा, अब एक दो वारदात हुई है उसी से ऐसा ध्यान में आया है कि वो जो भाड़े करु वहाँ पे रह रहे हैं वो कोई, उनके पास जो घर मालिक है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, पुलिस स्टेशन को कोई जानकारी नहीं देते, और जब कोई हादसा होता है या वारदात होती है तब हम जब वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पास वो भाड़ेकरू का कुछ भी नहीं है। तो हम पुलिस प्रशासन की ओर से अभी सभी जनता को आह्वान करना चाहते हैं कि आगे से कोई भी आपके यहाँ पर जो भाड़ेकरू आप रख रहे हो उनका डॉक्यूमेंट आपको लेना, उनका आई कार्ड या आधार कार्ड लेना बंधनकारक है और उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन को देना कंपलसरी है। हम भी सभी अभी जो घर मालिक हैं उनको नोटिस इशू कर रहे हैं और आगे से ऐसा कोई हादसा होता है और उसमें फिर नज़र में आया कि घर मालिक ने उनके उनसे कोई इंफॉर्मेशन या आधार कार्ड या कुछ आईडी नहीं लिया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो मालिक है वो इन लोगों से इनकी आईडी या इनका पूरा पता या ये कहाँ से आए हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं रखते, इसलिए अगर कोई दुर्घटना घटती है या जैसे कि अभी हत्याओं की घटना सामने आई है, हालांकि पुलिस को कामयाबी मिली है इस मामले में, मगर पुलिस को जो परेशानियाँ उठानी पड़ती है इन मालिकों की वजह से, क्योंकि जिन मज़दूरों को ये अपना रूम देते हैं भाड़े से उन मज़दूरों से कोई ख़ास प्रूफ अपने पास नहीं रखते। अब पुलिस उपायुक्त ने ऐलान किया है कि इस तरह के जो किराएदार रखने वाले मालिकान हैं उन्हें नोटिस दी जा रही है और अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए भिवंडी शहरवासी और भिवंडी शहर के आसपास के जो ग्रामीण के क्षेत्र हैं उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि जब वो किसी को रूम भाड़े से दे तो उसके बारे में यानी अपने किराएदार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने पास रख ले, ताकि अगर वो मजदूर, वो कामगार कोई कारनामा अंजाम देता है या कोई ऐसा मामला अंजाम देता है जो कानूनन अपराध है तो पुलिस को कार्रवाई करने में सहूलत हो सके। मैं खान फ़ख्र आलम।